आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ग्लास बॉटल का दो बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY, जिसको बना के आप अपने घर में सजा सकते हैं, नहीं तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को भी इसको गिफ्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल मोइट्रेस क्राफ्टी कैसल। तो चलिए फटाफट बनाते हैं आज का DIY। फर्स्ट DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस टाइप का एक बॉटल को ले लिया है, और अभी यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल, और इसका एक टाइट सा बॉल बना लेना है, और इस बॉल को अभी इस बॉटल के ऊपर ग्लू गन की मदद से मैं चिपका लूंगी। इस वीडियो में मैंने DIY को स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश किया है। अगर आप इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। अभी इस बॉटल के ऊपर स्पंज की मदद से मैंने जैसो अप्लाई कर लिया है। ये होममेड जैसो है, इसको मैंने वॉल पुट्टी ग्लू और व्हाइट कलर को मिक्स करके बनाया था। ग्लास बॉटल के ऊपर जैसो लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके ऊपर कोई भी कलर अच्छे से चिपकेगा नहीं। अभी बॉटल के टॉप पार्ट में मैंने फैब्रिकिल का मोल्डेड क्ले यूज किया है, इसके जगह में वॉल पुट्टी क्ले का भी यूज किया जा सकता है, और पानी की मदद से इस क्ले को मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है। फिर से थोड़ा सा मोल्डेड क्ले को ही यूज करके यहाँ पे मैं और थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट ऐड कर दे रही हूँ। पतला पतला करके क्ले को कट कर लेना है, और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही इसको लगाते जाना है। वैसे भी मोल्डेड क्ले से क्राफ्ट बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है। कुछ महीने पहले भी मैंने ग्लास बॉटल को यूज करके कुछ क्राफ्ट बनाए थे, तो काफी लोगों को वो अच्छा लगा था। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से चेक कीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं अपने चैनल पे DIY रिलेटेड वीडियोज रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग कहीं भूल ना जाओ सब्सक्राइब करना, ठीक है। और साथ ही में बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, तब जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी फटाफट से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ वॉल पुट्टी डो। इस डो को कैसे बनाना है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो इसको मैंने थोड़ा सा रोल कर लिया है पहले। वॉल पुट्टी का डो अगर सही से बन जाए ना तो आपका क्राफ्ट बहुत बढ़िया बन के निकलता है, क्योंकि वॉल पुट्टी डो बहुत जल्दी सूखता नहीं है टू मोल्डेड क्ले, तो इसीलिए आपके पास थोड़ा टाइम ज्यादा रहता है इसको मोल्ड करने के लिए। तो शुरू शुरू में जब मैं बनाती थी ना तो बहुत मेरा क्रैक हो जाता था क्ले, तो उसको हैंडल नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी बना बना के थोड़ा सा आइडिया हो गया है। अच्छा, अभी मैंने इसको इस टाइप से लगा लिया इस बॉटल के चारों तरफ, और इसमें अभी मैं थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर दे रही हूँ। इसके लिए मैंने वो जो बटन घिसने वाला आता है ना स्टील उल, उसी का यूज किया है। आप इसके जगह में कोई हार्ड ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज का यूज करके आप इसमें अपना मनचाहा कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं कुछ बटन्स भी ऐड कर दे रही हूँ। क्ले का काम हो जाने के बाद इस बॉटल को अच्छे से मैं सूखने के लिए रख दूंगी। एक दिन तो लग जाएगा, क्योंकि वॉल पुट्टी क्ले सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। और एक बार ये अच्छे से सूख जाने के बाद इसको पहले मैं ब्लैक कलर से पेंट कर लूंगी। और इससे पहले मैंने एक को जैसो भी यहाँ पे लगा लिया था। फाइनली ब्लैक कलर हो गया है यहाँ पे। अभी जो ये क्ले वाला पोर्शन है इसमें मैंने एक पर्ल मेटलिक कलर से पेंट कर लिया है। अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं कलर कॉम्बिनेशन टोटली आपके ऊपर है। इसको और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेटलिक वैक्स लिया है, ये सिल्वर कलर में है। ये मैंने इच्छी बिच्छी से परचेज किया था, और इसी से इसके लुक को मैं कम्प्लीट कर दूंगी। तो अभी ये रहा इसका फाइनल लुक। और हाँ, जब कलर अच्छे से सूख जाएगा एक कोट वार्निश का यहाँ पे लगाना है। मैंने अभी नहीं लगाया है लेकिन मैं बाद में लगा दूंगी। और ये DIY आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अभी चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए भी मैंने इस टाइप का एक बॉटल ले लिया है, और पहले का प्रोसेस सेम है। मैंने यहाँ पर भी एक सिल्वर फॉइल से बॉल बना के लगा लिया है, और कुछ सिल्वर फॉइल का ही शेप बना के मैं ग्लू गन की मदद से यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और फिर जैसो का भी एक कोट मैंने कर दिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्ले वर्क किया है। और फिर सिल्वर फॉइल से ही एक जूड़ा जैसा बना के मैंने इसको भी ग्लू गन की मदद से चिपका लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है वॉल पुट्टी पाउडर, और इसके साथ थोड़ा सा ग्लू और वाटर को मिक्स करके एक घोल जैसा मैं बना लूंगी। इसको ऐसे बनाना है सो डेट इसमें कोई लंप ना रह जाए, और इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पुराना फैब्रिक, ये एक पुराना टी शर्ट है, तो इसको मैं इस घोल में अच्छे से मिला लूंगी, मतलब इस कपड़े में अच्छे से इस घोल को मैं लगा लूंगी। और अभी आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिससे इस बॉटल का पूरा लुक बदलने वाला है। तो इस बॉटल के ऊपर अभी इस फैब्रिक को मैं लगा लूंगी। तो अच्छे से यहाँ पे मैं प्लीट्स बना रही हूँ, एक्चुअली यहाँ पे मैं साड़ी जैसा डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़ा सा प्रोसेस मैसी है, तो आप इसको फ्लोर में कीजिएगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत फटाफट से बन जाता है। मतलब ये वाला
कार्ड फटाफट बन जाएगा। और हाँ, जब भी आप इस टाइप के वॉल पुट्टी का घोल वगैरह हाथों से टच करेंगे तो इससे पहले आप हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिएगा। तो अभी इस टाइप से पूरे बॉटल को फैब्रिक से कवर कर लेना है और यहाँ पे जो कपड़े का फोल्ड है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से सूखने के लिए रखना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में, 2 दिन तो लग जाएगा। वैसे अभी समर में तो 2 दिन नहीं लगेगा, इससे जल्दी सूख जाएगा, लेकिन इसको कलर करने से पहले अच्छे से सुखा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे और थोड़ा सा क्ले वर्क करूँगी। ये जो आँखों वाला पोर्शन था, यहाँ पे मुझे आँख बंद करने वाला लुक चाहिए था, तो इसीलिए मैंने आईलिड बनाने के लिए इस टाइप से और थोड़ा सा क्ले लगा लिया है। और अभी मैंने बालों का डिज़ाइन भी यहाँ पे बना दूंगी। ये मैंने पहले नहीं लगाया था क्योंकि पल्लू कहाँ तक आएगा मुझे पता नहीं था, तो इसीलिए मैं ये वाला पोर्शन बाद में कर रही हूँ। अभी क्ले से ही मैं और थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। और क्ले वगैरह सब अच्छे से सूख जाने के बाद इसके ऊपर भी मैंने जैसो का एक कोट कर लिया था और अभी मैं फटाफट इसको कर लूँगी पेंट। यहाँ पे मैंने सभी एक्रेलिक पेंट का ही यूज़ किया है। फेस को पेंट करने के लिए मैंने बर्न्स या ना एक्रेलिक पेंट के साथ थोड़ा सा व्हाइट कलर को मिक्स करके एक शेड बना लिया है। और इसका जो साड़ी है उसको मैंने ग्रीन कलर से पेंट किया है। इसको पेंट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा फोल्ड है और अच्छे से इसको पेंट करना है सो दैट कोई भी व्हाइट पोर्शन विजिबल ना रहे। और जो साड़ी का बॉर्डर है उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है गोल्डन कलर से। और बाकी के ज्वेलरी वगैरह को भी पेंट करके मैं इसके लुक को कर दूंगी कंप्लीट। और अगर इस DIY को आप रिक्रिएट करते हैं तो आपका रिक्रिएशन मेरे साथ आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टा हैंडल पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कलर हो जाने के बाद इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में मुझे पता नहीं था कि इसका लुक इस टाइप से होके निकलेगा। और अभी ये रहा इसका फाइनल लुक। इन दोनों DIY में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने घर को सजाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।